फ्रेंड्स वेलकम टू एग्जाम तक। जैसा कि पता है फ्रेंड्स आपको कि अभी एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड कल मैंने आपको सूचित किया था उसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। तो मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी गड़बड़ी लेकर के आया हूं जो किस प्रकार की है आप देखिए। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सही और ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। देखिए जानकारी, एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड भोपाल, ये सबको पता है ESB का नाम हो गया है और प्रीमिलिटरी इन्फॉर्मेशन हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट, ये भी आपको विदित होगा। तो एप्लीकेशन नंबर विद्यार्थी का ये है, नाम धर्म सिंह है, सेंटर भोपाल में, ला एग्ज़ाम है 2 अगस्त को। अब आप सोच रहे होंगे ये तो सबको पता है तो मैं आपको ये बताने नहीं आया हूँ। मैं आपको ये जैसे एग्ज़ाम है 3 से 5 की शिफ्ट में, अब मैं आपको बताने आया हूँ, इस पर ज़रा गौर से ध्यान दीजिए। देखिए मात्र 4 वर्ष का, 7 मई 2019 इनकी है डेट ऑफ बर्थ, 19/4/23, मात्र 4 वर्ष का विद्यार्थी वर्ग 1 की चयन परीक्षा में शामिल हो रहा है। मात्र 4 वर्ष का विद्यार्थी वर्ग 1 की चयन परीक्षा में शामिल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड ESB के कारनामे, अभी पटवारी का पूरा मैटर ख़त्म नहीं हुआ कि वर्ग 1 का ये चालू हो गया, अब डेट ऑफ बर्थ में इतनी गड़बड़ी पाई जा रही है। दूसरी गलती मैं आपको बताने जा रहा हूँ किसकी, TRC पोर्टल की, तो वो भी देखिएगा आप। दूसरी गलती आप देखिए, वर्ग 3 में OBC अतिथि शिक्षक पुरुष की लिस्ट कितने तक आ चुकी है, शायद 100 के ऊपर है, 100 के ऊपर थी, 99.26 वाले रामावतार भाई साहब कहाँ से महिलाओं में आ गए, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 534 नंबर पर, यहाँ पर सभी महिलाओं की लिस्ट रहती है, पुरुष की लिस्ट और महिलाओं की लिस्ट अलग अलग होती है। तो यहाँ महिलाओं में है 534 में रामावतार, ये मेल कैंडिडेट हैं और ओपन कैटेगरी से हैं और MP से हैं। तो ये महिलाओं पर मतलब महिलाओं में इनकी रैंकिंग कहाँ से बीच में आ गई, ये भी जानकारी TRC पोर्टल के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कारनामे हो रहे हैं, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ये मुद्दा उठना चाहिए कि इस प्रकार की गलतियाँ हो रही हैं, इसलिए आप लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही गलतियाँ होना चालू हो जाती हैं। आपको विदित होगा गलतियों की शुरुआत ही स्टार्टिंग से हो जाती है तो कैसे लोगों को नौकरी मिल पाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी शेयर कीजिए ऐसी सही और ऑथेंटिक जानकारी के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।